सर सर क्या है बे? कैमरा ऑन हो गया सर। कैमरा चालू करके बताया भी नहीं। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। काम अटके हो बे? जी सर। जाओ हमारे लिए पास की दुकान से विमल लेकर आओ। और सुनो, तुम्हें बीड़ी फूंकना हो तो तुम भी फूंक लेना, पर हमारा खाता में नोट मत कराना, अपना खाता से पीना। लाते हैं सर। ये वाला कट कर देना। तो खाम खान न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं बेरोजगार। खबरें आएंगी तेज तरार, सुनकर हो सकता है बुखार। तो खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले बोलिए जुबान कैसरी। तो हाल ही में आए टाउटो तूफान में लोगों के घर के बाहर सूख रहे लुंगी और कुच्छों ने भरी ऊंची उड़ान। भारत के प्रधानमंत्री ने विकास को भारत में लाने के लिए किए बहुत प्रयास, लेकिन विकास लाने से कर दिया साफ मना। बोला हमारा चप्पल चोरी हो गया है और लॉकडाउन में दुकान भी बंद है। नीट के एग्जाम को लेकर छात्रों ने जताया आक्रोश। इस पर प्रदेश के घपला मंत्री जी ने कहा, बगीचे में आम, सरकारी काम और नीट का एग्जाम, ये तीनों लटकते ही रहेंगे। राहुल गांधी जी ने पप्पू से पप्पू मैक्स प्रो की उपाधि प्राप्त। 25 फरवरी तक कर सकते हैं शपथ ग्रहण। कानपुर में लोंडे ने विमल ठूक कर दीवार पर बनाया दिल। लोंडिया हुई इम्प्रेस और बोली, आन मिलो सजना घाट किनारे, बीड़ी पियेंगे दिन दहाड़े। अरे, को ठूकने का इंतजाम नहीं किया भाई, ये ठूक दे कोरोना का वैक्सीन। ये कट कर देना। अपनी ही शादी में जलेर को रात नहीं आई मेहंदी, बोले टुनक टुनक टुन तारा लगा। ये कैसा न्यूज हुआ भाई? चलो, वैसे मीडिया वाले कौन सा अच्छा न्यूज दिखाते हैं। एक बड़ी न्यूज आ रही है अभी अभी हैदराबाद से, अभी तक आई नहीं है, जब आ जाएगी तो बता देंगे। कोरोना पहनते समय मास्क से 2 गज का दूरी है जरूरी। ये किसने लिखा है भाई? अरे, कितना बवासीर हैंडराइटिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। आप ही ने लिखा है, आप ही की हैंडराइटिंग है वो। अच्छा, हम ही लिखे थे। लगता है विमल लिखाए होंगे उस टाइम। सर आओ। अभिनंदन वो देने से मना कर रहे हैं, बोल रहा पहले का 1200 रुपया है वो चुकाओ, फिर मिलेगा विमल। क्या मना कर दिया? कल ही तो 950 रुपये का चेक दिए थे उसको। हमारा बीड़ी भी छीन लिए सर। बीड़ी भी छीन लिए? इसकी भैंस का आंख, बंदूक कहाँ है हमारा? आज ये पन्ना लाल नहीं बचेगा। सुनो, तुम कहीं मत जाना, अभी टीवी पे आएगा पन्ना लाल, न्यूज लेकर आ रहे हैं अभी। विमल नहीं दिया हमको, बंदूक कहाँ है हमारा?